बच्चों वेक्टर के लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि दो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, यानी दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम प्यार से डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास मान लें कि कोई एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है ना, या स्केलर प्रोडक्ट आपको लिखना है ना, तो आप उसको इस तरीके से दिखाते थे ए डॉट बी। तो इस डॉट की वजह से ही इस बेचारे का नाम पड़ गया डॉट प्रोडक्ट, मतलब शक्ल से देख के पता चल जा रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, क्लियर है। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी से, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के तरीके से, ठीक है, ये पता चल जाता है कि डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा, इसको स्केलर प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है ना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, पता ही होगा, पूरा एक लेक्चर लिया था हमने इसके ऊपर, ठीक है। तो ये रिजल्ट होता है स्केलर, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर आता है, इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आई बात समझ में? आपको याद होगा कि जब हम लोग वर्क देख रहे थे ना, ठीक है, तो वो आया था एफ डॉट एस, यानी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वर्क, स्केलर क्वांटिटी है भाई। आई बात समझ में? चलिए, तो ये सब तो हमने देखा था, बहुत डिटेल में देखा था। आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते, वो तो पता चल ही गया ए क्रॉस बी से। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो ये बताया था मैंने, हैं? वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना बच्चों, जो भी रिजल्ट यहां आने वाला है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है। जो भी रिजल्ट मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, इसीलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? अब किसी भी वेक्टर को जब आप लिख रहे होते हैं तो दो चीजों पर ध्यान देते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन, है ना। अब मैग्नीट्यूड में तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा दिक्कत होती है डायरेक्शन में। तो बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर्स का। जैसे मान लें कि हमको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाना है, मान लें कि कोई फोर्स है 10 न्यूटन का फोर्स है ना, और वो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो बताएं तो उस फोर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले आप मैग्नीट्यूड लिख देते हैं और उसके बाद हम आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैग्नीट्यूड को जब आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक कंप्लीट वेक्टर बन जाता है। यहां से हमको मैग्नीट्यूड मिल गया और ये हमको डायरेक्शन दे देता है। देखते ही पता चल गया कि 10 न्यूटन का फोर्स है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। मान लें कि यही 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ लगता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, टेन न्यूटन लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होता है, जल्दी बताएं। तो माइनस जे कैप, अरे वाई एक्सिस के लिए जे कैप नेगेटिव डायरेक्शन है, तो माइनस जे कैप लिख देंगे हम यहाँ पे, माइनस जे कैप। तो ये आदत आपको होनी चाहिए, कभी भी हमको कोई वैक्टर लिखना होता है मैग्नीच्यूड और डायरेक्शन के लिए यूनिट वैक्टर। इज इट क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम इसका मैग्नीच्यूड देख लें, ए क्रॉस बी का मैग्नीच्यूड कितना आता है। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, ये ए बी कॉस थीटा आता है ना, तो ये ए बी साइन थीटा आता है। बहुत ही सिंपल है कि नहीं? अरे जल्दी से बताएं भाई, बहुत ही सिंपल है कि नहीं? लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है, ये हमने अभी सिर्फ मैग्नीच्यूड लिखा है, अभी हमको डायरेक्शन लिखना है, ठीक है। और डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन किधर होगा हमको थोड़े पता है, हमको थोड़े पता है कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, बात समझ रहे हैं। तो डायरेक्शन के बारे में अभी हमको कुछ खास पता है नहीं कि वो एक्स की तरफ आएगा कि वाई की तरफ आएगा कि जेड की तरफ आएगा, बात समझ रहे हैं। तो हम ऐसे आई कैप, जे कैप, के कैप ना लिख के अपने से कुछ ऐसे एन कैप लिख देते हैं। अब देखा जाएगा इसका इसका डायरेक्शन अलग अलग सिचुएशन में किधर आता है, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा, कभी दाएं आएगा, कभी बाएं आएगा, बात समझ रहे हैं। तो अगर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीच्यूड चाहिए तो आप सिंपल ए बी साइन थीटा कर लेंगे, जिसमें ए क्या है तो वेक्टर ए का मैग्नीच्यूड, बी क्या है वेक्टर बी का मैग्नीच्यूड, नहीं, और थीटा क्या है भाई, तो ए और बी के बीच का एंगल है ना। और डायरेक्शन के लिए आप एन कैप का डायरेक्शन देखेंगे, अरे इस वेक्टर को डायरेक्शन यही दे रहा है ना, तो सारा खेल जो है वो इसी के डायरेक्शन को निकालने के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये तो आप आराम से निकाल लेंगे ए बी साइन थीटा, ये दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, तो ठीक है। तो हमको देखना ये है कि एन कैप का डायरेक्शन किधर होगा, यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा।
अरे भाई जिधर एन कैप का डायरेक्शन होगा उधर ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया फिगर बनाते हैं इसके लिए। बच्चों यहाँ पे आपको ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा होगा जिसमें दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, प्लेन ऐसा है। ठीक है, और जो दो वेक्टर्स हैं उसमें से मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है वो ये ब्लैक कलर वाला पेन है और वेक्टर बी जो है वो रेड कलर वाला पेन है। दिख रहा है बच्चों आपको आराम से? ठीक है, ये वेक्टर ए वो वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा। आई बात समझ में? चलिए इसको हटा देते हैं, सिचुएशन एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखें, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और बीच का एंगल आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है ये थीटा है, सही है। अभी हमको देखना है ए क्रॉस बी, तो आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है। ठीक है, तो हमको इसके दो पार्ट्स पे काम करना होगा, हमको देखना होगा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप तो कोई दिक्कत नहीं, हमको ए बी साइन थीटा करना होता है, यानी कि हम पूछ लेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो रख देंगे यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे यहाँ रख देंगे, दोनों के बीच का एंगल तो आपको पता ही है, आप उसका साइन ले लेंगे। तो यहाँ से आपको आराम से मिल गया मैग्नीट्यूड, इसके लिए तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा हमको। मेन खेल होता है डायरेक्शन के लिए, है ना, और डायरेक्शन हमको कौन देता है, तो ये देता है। अब हम इसी से पूछेंगे कि जल्दी से बताओ कि तुम्हारा डायरेक्शन किधर है, ताकि हम बता सके कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। अरे भाई ए क्रॉस बी को ये देता है मैग्नीट्यूड और ये देता है डायरेक्शन, तो जिधर इसका डायरेक्शन होगा उधर ही इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए ना हम दो तरीके यूज करते हैं, इसके दो रूल्स हम कह सकते हैं। पहला होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, और दूसरा होता है स्क्रू रूल। तो राइट हैंड थंब रूल थोड़ा ज़्यादा फेमस है, लेकिन स्क्रू रूल स्मार्ट लोगों का तरीका है। ठीक है, तो हम दोनों देखेंगे बारी बारी से और बिल्कुल आराम से। ठीक है, आते हैं एक बार फिर से, वेक्टर ए वेक्टर बी इस तरीके से आपको दिख रहा है बच्चों, अच्छे से दिख रहा है, चलिए वेरी गुड। अब ना हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए, तो हम अपने राइट हैंड को दाहिने हाथ को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, ताकि चार उंगलियां जो हैं, ये जो चार उंगलियां हैं वो एक साथ आ जाएं और ये जो अंगूठा है ये इस इनसे अलग हो जाए, है ना, और 90 डिग्री पे आ जाए इस तरीके से। ठीक है, देखें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, आप लेफ्टी भी हैं तभी आपको राइट हैंड ही यूज करना है, समझ रहे हैं। चलिए ये किया हमने, अब हमको इन चार उंगलियों को पहले वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा है ना बच्चों उसके डायरेक्शन में ले जाकर रखना है। कौन है पहले? ए है, तो ए के डायरेक्शन में रखना है। ये ब्लैक कलर वाला पेन वेक्टर ए था, तो ए के डायरेक्शन में चार उंगलियों को ये देखें, दिख रहा है ना, इसके डायरेक्शन में हमने इस तरीके से किया। अब इन चारों उंगलियों को हमको मोड़ना है ना बच्चों। तो एक बात बताऊं, अब उंगलियां सिर्फ एक ही तरीके से मोड़ सकती हैं, उंगलियों को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते। ऐसे मोड़ सकते हैं क्या? नहीं, उंगलियों को हम ऐसे भी नहीं मोड़ सकते, उंगलियों को हम ऐसे भी नहीं मोड़ सकते। उंगलियां बस एक ही तरीके से मोड़ती हैं, ऐसे ऐसे मोड़ती हैं, बात समझ रहे हैं, ऐसे मोड़ती हैं। तो कभी भी आप उंगलियों को मोड़ेंगे तो ऐसे, ऐसे मत करना यार कि बोल रहा कि ना सर हम तो जबरदस्ती मोड़ेंगे, और ऐसे नीचे मोड़ देना तो टूट जाएंगे, बात समझ रहे हैं, ऐसे भी नहीं मोड़ देना। तो उंगलियां सिर्फ ऐसे मोड़ती हैं, तो ऐसे ही मोड़ेंगे हम। वेरी गुड, एक बार फिर से आते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, राइट हैंड इस तरीके से स्ट्रेच करना है उंगलियों को, और इन चार उंगलियों को पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है। तो ये रहा, देखें, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, ठीक है, और अब हम इसको बी की तरफ मोड़ेंगे। ठीक है, एक और बात बता दूं, आपको यहाँ दो एंगल्स दिख रही होंगे, एक ये छोटा वाला एंगल दिख रहा है और एक ये इधर से देखा जाए तो बड़ा वाला एंगल, तो हमेशा छोटे वाले एंगल की तरफ मोड़ना है, बात समझ रहे हो बच्चों। तो यही है ना छोटा वाला एंगल, ए को बी की तरफ मोड़ दो, तो जो अंगूठा होगा ना वही बताएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन, यानी वही होगा इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। तो बताएं, तो जब आपने ए से बी की तरफ मोड़ा तो अंगूठा कहाँ आया? ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आया, यही होगा वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कि जो एन कैप का डायरेक्शन होगा ना, एन कैप का डायरेक्शन वो ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ऊपर होगा। तो हम आराम से कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होगा वो ऐसे ऊपर की तरफ होगा, और मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है ए बी साइन थीटा, मतलब ये वाला जो आपको वेक्टर दिख रहा है ये कौन सा वेक्टर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो आपको वेक्टर मिला है वो वाला वेक्टर है। तो डायरेक्शन तो पता चल गया ऊपर, और मैग्नीट्यूड कितना, तो ए बी साइन थीटा, है ना बच्चों। यानी हम कह सकते हैं कि ये है, ये जो आपको चौक दिख रहा है यही है वेक्टर ए क्रॉस बी,
आई बात समझ में? अच्छा बच्चों एक और बात बताओ, मान लो किसी ने आपसे कहा होता कि आप थोड़ा वेक्टर बी क्रॉस ए बताएं, बी क्रॉस ए बताएं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में आप क्या लिखेंगे? बी ए साइन थीटा और क्या? अरे ए क्रॉस बी जब आप लिख रहे थे तो ए बी साइन थीटा लिखे थे, लेकिन जब आप बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो आप बी ए साइन थीटा लिखेंगे। अब आप मुझको बताएं कि क्या ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? दोनों तो सेम चीजें हैं, आप ए इंटू बी करें चाहे बी इंटू ए करें, बात तो बराबर ही है। तो कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हम आराम से इसको भी ए बी साइन थीटा ही लिख सकते हैं, है ना? आप इस बी को पहले रखें चाहे ए को पहले रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं? लेकिन हो सकता है कि डायरेक्शन पे फर्क पड़े, हमको नहीं पता है बच्चों, हमको नहीं पता, लेकिन हो सकता है। मैग्नीट्यूड हमने चेक किया तो पता चला कि इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हो सकता है डायरेक्शन पे असर पड़ जाए, और नहीं भी पड़े हमको थोड़े पता है। लेकिन एक काम करते हैं, हम डायरेक्शन कुछ दूसरे तरफ मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं कुछ पी कैप, ठीक है। अब हमको देखना है कि पी कैप का डायरेक्शन किधर होगा। एक बार फिर से हम वही रूल अपनाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, दाहिना हाथ लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, चार उंगलियां एक साथ, अंगूठा परपेंडिकुलर। अब इन चार उंगलियों को किसके डायरेक्शन में रखना है, तो पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में, समझ रहे हैं? ये देखें बच्चों, ये देखें, अरे पहले वाला वेक्टर का मतलब बी के डायरेक्शन में, यही वाला ना बी था, तो बी के डायरेक्शन में मैंने चार उंगलियों को रख दिया। अब उसको ए की तरफ मोड़ना, अब ये कैसे मुड़ेगा भाई? अरे छोटा वाला एंगल यही है ना, इधर ही मोड़ना, ऐसा ना कि इधर से नहीं मोड़ेगा ये, बात समझ रहे हैं? तो आपको इधर मोड़ना, अब ये तो मुड़ ही नहीं रहा है, मुड़ ही नहीं रहा, मैं तोड़ थोड़े दूंगा इसको आपके लिए, बात समझ रहे हैं? क्या किया जाए यार, दिमाग ही नहीं लग रहा है। अच्छा एक काम करते, ऐसे कर ले, अगर हम ऐसे कर लेंगे तो अभी भी चारों उंगलियां बी की तरफ ही हैं, अभी भी नहीं मुड़ रहा है, तो एक काम करते हैं हम थोड़ा ऐसे कर ले, दिख रहा है बच्चों? अभी भी देखो चार उंगलियां बी की तरफ ही हैं, अब मुड़ गया ना, देखा आपने, मैंने बी को ए की तरफ मोड़ दिया। अरे बात समझ रहे हैं, अंगूठा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा, यानी पी कैप का जो डायरेक्शन होगा, वो ऊपर नहीं वो नीचे होगा। आई बात समझ में बच्चों? पी कैप का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे होगा, यानी कि अगर हमको बी क्रॉस ए ड्रॉ करना होगा तो बी क्रॉस ए कुछ ऐसे नीचे की तरफ आएगा, बात समझ रहे हैं? ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ये होगा आपका बी क्रॉस ए। हालांकि मैग्नीट्यूड में ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको भी आप बड़ा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है, तो ऊपर होगा ए क्रॉस बी और नीचे होगा बी क्रॉस। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं ये कैसे हुआ, देखें, ये था वेक्टर ए, एक वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, ए क्रॉस बी करना था तो ए को बी की तरफ मोड़ दिया मैंने, ऊपर आ गया, और बी क्रॉस ए करना है तो बी को ए की तरफ मोड़ दिया, ये देखें बी को ए की तरफ, ठीक है, तो नीचे आ गया। अरे कुछ समझ में आया, ठीक है, इस तरीके से हमको करना होता है। और स्क्रू रूल एक बार देख लेते हैं, ये समझ में आया बच्चों, ठीक है, और भी एग्जांपल्स करेंगे, टेंशन ना ले, थोड़ा सा स्क्रू रूल देख लेते हैं। तो स्क्रू रूल के लिए क्या करना होता है ना बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दिख रहा है आपको, एक स्क्रू इमेजिन करना होता है, बात समझ रहे, एक स्क्रू इमेजिन करना होता है, और उसको इन दोनों के, मतलब जहां पे इन दोनों का टेल है, ठीक है, अरे यही पे ना टेल है, वहां उस स्क्रू को रखना होता है, बात समझ रहे हैं? सिंपल, स्क्रू को इस तरीके से रखें, है ना, और अगर आपको ए क्रॉस बी करना है ना, तो ए को बी की तरफ घुमाना है, मतलब ए को बी की तरफ घुमाना, तो ऐसे घुमाना है, ये देखें ऐसे घुमाना है, मतलब ए को बी की तरफ, अब ऐसे घुमा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये स्क्रू खुल रहा है कि बंद हो रहा है, खुल रहा है कि बंद हो रहा है, ये बताएं तो? अच्छा रुके एक सेकंड, मैं एक बॉटल लेके आता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अच्छा बच्चों ये जो बॉटल का कैप है ना, आप इसी को थोड़ी देर के लिए स्क्रू समझ लेंगे, ठीक है, चलिए तो देखते हैं स्क्रू रूल में हमको करना क्या होता है। अगर हमसे ए क्रॉस बी चाहे बी क्रॉस ए, दोनों में से कुछ भी पूछे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप स्क्रू लेंगे और दोनों वेक्टर्स का टेल पे ले जाकर रख देंगे, तो इस तरीके से हमने रख दिया। अब अगर हमको ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, तो स्क्रू को पकड़ेंगे और ए से बी की तरफ घुमाएंगे, तो बच्चों देखें ए इधर है और बी इधर है, बात समझ, मतलब ऐसे घुमाना होगा आपको, तो स्क्रू को पकड़े और ए से बी की तरफ। अब देखिए जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये ढक्कन खुल रहा है, स्क्रू भी होता तो खुल रहा होता है, ये आप ऐसे करके देख सकते हैं, आप अपने हाथ से भी करके देख सकते हैं, ऐसे जब आप इसको घुमाएंगे तो ये ढक्कन खुल रहा है, और बच्चों ढक्कन जब खुलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाता है, अरे ये आपने देखा होगा ढक्कन खुलता है तो धीरे धीरे ऊपर आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर होगा,
और सही बात है यार, हमने देखा भी था ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे किसी ने कहा कि बी क्रॉस ए करके बताएं, तो बच्चों ढक्कन को पकड़े या स्क्रू को पकड़े और बी से ए की तरफ घुमाएं। तो देखे बी इधर है और ए इधर है, अरे इधर है बी इधर है, ठीक है। तो बी से ए की तरफ घुमाना है, मतलब ऐसे घुमाना है ऐसे। तो जब हम ऐसे घुमाएंगे, अरे ऐसे ही घुमाना है ना, ऐसे घुमाएंगे तो ढक्कन बंद हो रहा है, ये देखे बंद हो रहा है ये। और जब भी ढक्कन बंद होता है या स्क्रू बंद होता है तो कहाँ जाता है, नीचे जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का जो, सॉरी बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, और हमने देखा भी था। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम चाहें तो राइट हैंड थंब रूल और चाहे तो स्क्रू रूल की का यूज़ करके हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्यों कहा कि स्क्रू रूल जो होता है वो थोड़े स्मार्ट लोगों का तरीका होता है, इसकी वजह ये है कि मान लो बच्चों की आप एग्जाम में बैठे हुए, मान लें कि इस तरीके से बैठे हुए है ना, और क्वेश्चन में आपको एक वेक्टर कुछ इस तरीके का दे दिया गया, बात समझ रहे हैं, और एक वेक्टर ऐसे नीचे है, और आपको करना है मतलब ये 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 आपकी तरफ है, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, ये आपकी तरफ है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ है, और आपसे कह दिया गया कि थोड़ा ए क्रॉस बी करके बताएं, और ये है ए ये है बी। तो जब आप ऐसे बैठे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ को ऐसे करेंगे, बात समझ, क्योंकि चारों उंगलियाँ होनी चाहिए इधर, तो अपने हाथ को ऐसे करेंगे, फिर आप हथेली को ऐसे करेंगे, है कि नहीं। अब बैठे हुए हैं इधर, हमको करना है ऐसे, ये थोड़ा अजीब तरीके का पोज नहीं लग रहा है क्या आपको? मतलब आप सोचे कि जो टीचर एग्जाम ले रहा होगा वो क्या सोचेगा कि बेचारा पागल हो गया है, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है पूछ दिया गया है, कि भरी क्लास में कथक करने लगा, ऐसे ऐसे हाथ जब घुमाने लगे और फिर ऐसे नीचे करेंगे तो डायरेक्शन इधर आएगा, बात समझ रहे हैं। ये देखें चारों उंगलियां इधर की तरफ हैं और हमको मोड़ना है, तो मोड़ेंगे तो ऐसे ही मुड़ेगा ना, अरे ए को बी की तरफ मोड़ना है तो अंगूठा गया इधर, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर होगा, है कि नहीं। तो ये थोड़ा अजीब अजीब सा मतलब पोस्चर लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर मान लो कि आप स्मार्ट स्टूडेंट और आपको स्क्रू रूल पता है, तो आप क्या करेंगे पता है, तुरंत दो पेन ले लेना, ठीक है, एक पेन जो इधर की तरफ है रख लेना, एक पेन नीचे की तरफ, ठीक है, और एक स्क्रू इमेजिन कर लेना, और ए क्रॉस बी करना है ना तो ए को बी की तरफ मोड़ना, ऐसे ऐसे कर लेना, बस ऐसे मोड़ना, और आपको साफ साफ पता चल रहा है कि स्क्रू बंद हो रहा है, और स्क्रू जब बंद होता है तो वो अंदर जाता है, बात समझ रहे हैं, और अंदर जाने का मतलब इधर, यानी कि इस केस में ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, तो इसे हाथ वाथ मोड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल मतलब आगे चल के हमको खूब मिलेगा, और जहाँ जहाँ भी मिलेगा हम आराम से देखेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा बहुत बस हमको जान लेना था कि स्क्रू रूल क्या होता है एंड राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ठीक है बच्चों। बच्चों अभी अभी हमने देखा कि अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो जो ए क्रॉस बी आएगा वो ऊपर आएगा, ठीक है, अभी देखा था, एंड बी क्रॉस ए जो आता है वो नीचे आता है ना। अब इन ये जो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शंस हैं, है ना, इनको लेके एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये हमेशा दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे अगर ए क्रॉस बी की बात की जाए, ये चौक आपको दिख रहा है, ए क्रॉस बी है मान लीजिए, तो ये इस रेड कलर के पेन के भी परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर आएगा और वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर आएगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा याद रखना ये। आई बात समझ में? हमेशा याद रखना ये, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, चाहे आप ए क्रॉस बी कर रहे हो और चाहे आप बी क्रॉस ए कर रहे हो। ये देखें इसका जो डायरेक्शन है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, और बी के भी परपेंडिकुलर है, बात समझ रहे हैं बच्चों। अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी जो है ना वो इस ए के भी परपेंडिकुलर है और वो इस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक उसी तरीके से ये जो बी क्रॉस ए है वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, बात समझ रहे हैं, एंड इसके तो परपेंडिकुलर आपको दिख ही रहा है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर नहीं। तो ओवरऑल आप याद रखना, आप ए क्रॉस बी लें चाहे बी क्रॉस ए लें, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट 30 डिग्री विथ ईच अदर एज शोन इन द फिगर। आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 यूनिट। अब बच्चों यूनिट हमने इसीलिए लिखा क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये कौन सा वेक्टर है। मान लें कि अगर ये फोर्स होता तो हम यूनिट की जगह न्यूटन लिख देते हैं, अगर हमको पता रहता कि ये वेलोसिटी है तो यूनिट की जगह मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, लेकिन नहीं पता है इसलिए यूनिट रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी दिया हुआ है, इसका भी जो मैग्नीट्यूड है ना, और बच्चों मैग्नीट्यूड को सिंपल हम ऐसे बी से भी दिखा सकते हैं या इसके मैग्नीट्यूड को सिंपल हम ऐसे ए से भी दिखा सकते हैं, अरे बात समझ रहे हैं, ठीक है। ऊपर वेक्टर का साइन हटा दें, आप तीर का साइन हटा दें तो इससे मैग्नीट्यूड बन जाता है ये। चलिए
तो ये हो गया आपका 6 यूनिट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे कहता है कि बोथ वेक्टर्स आर इन द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, ये दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं, मतलब यहाँ आपको ये जो दो वेक्टर दिख रहे हैं, ये पेपर के ही प्लेन में है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ना हम इस बोर्ड को ही पेपर समझ लेते हैं। अरे मेरे लिए तो ये बोर्ड ही पेपर है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स बोर्ड के ही प्लेन में है, ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वेक्टर ऐसे बाहर निकला हुआ है, ये ऐसे बाहर नहीं निकला हुआ है। एक वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर जो है, ठीक है, चलिए इस चौक को ही वेक्टर मान लेते, तो दूसरा वेक्टर ऐसा है, दोनों का दोनों इसी के प्लेन में है, ठीक है। और अब हमसे पूछ रहा है कि आप ए क्रॉस बी करके बताएं और आप बी क्रॉस ए करके बताएं, ठीक है। अभी सीखा हम लोगों ने, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी की, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स आएंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला पार्ट। तो मैग्नीट्यूड तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। नहीं, अब डायरेक्शन किधर है, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल। तो बच्चों आप अपने दाहिने हाथ को कुछ इस तरीके से करेंगे, इन चारों उंगलियों को आप पहले वाले वेक्टर जो कि ए है उसके डायरेक्शन में करेंगे। तो ये रहा, देखा, चारों उंगलियां ए के डायरेक्शन में। अब हमको इनको मोड़ना है बी के डायरेक्शन में, तो इस तरीके से मुड़ गया, देखा आपने, ए से बी की तरफ मुड़ गया। अंगूठा कहाँ है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो आप यहां दिखा देंगे, लिख देंगे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, है ना बच्चों। अरे मतलब पेपर के प्लेन से बाहर आ रहा है ना, जब आपने ए क्रॉस बी किया, बात समझ रहे हैं, तो पेपर के प्लेन के बाहर आ रहा है, तो वो चीज हमने यहां पे दिखा दिया। अब हमको नहीं पता है बच्चों कि ये बाहर वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है कि जेड एक्सिस है। मान लो कह देता कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर को तुम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस मान लेना, कह देता कि इस डायरेक्शन को, ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहती, मैं डायरेक्ट यहाँ पे के कैप लिख देता। लेकिन क्वेश्चन में तो ये कहा नहीं जा रहा है कि बाहर का डायरेक्शन कौन सा एक्सिस है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लैंग्वेज में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेक्टर लिख रहे हैं तो बस दो चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। आप कैसे भी दिखा दें, लैंग्वेज में भी लिख के दिखा सकते हैं, यूनिट वेक्टर के थ्रू भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब बस करना क्या है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो बताएं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 यूनिट है तो 4 लिखें। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, तो 6 यूनिट है तो 6 लिखें, है ना। और साइन 30 डिग्री, तो इस तरीके से लिखा हमने, ठीक है। और इतना यूनिट आएगा, अब ये भी, इसके बारे में भी हमको नहीं पता है कि ये क्या बन रहा है, तो चलिए इसके लिए भी हम लिख लेते हैं इतना यूनिट, एंड कॉमा देके आप लिख सकते हैं चाहे तो, आउट ऑफ दी प्लेन ऑफ क्या बच्चों, जल्दी बताएं, तो पेपर, PAPER, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। आप इसको सॉल्व कर लें, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो नीचे वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 12 यूनिट, और इस वाले चीज को आप छाप देंगे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इज इट क्लियर? यानी कि ए क्रॉस बी जो होगा ना, बाहर की तरफ आएगा, और कितना, तो 12 यूनिट का होगा, जो भी होगा 12 यूनिट का होगा। इज इट क्लियर? हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि बी क्रॉस ए कितना होगा, बी क्रॉस ए कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम, मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो तो हम अभी भी ए बी साइन थीटा ही लिखेंगे। हमने देखा था ना बच्चों, अगर हम बी ए साइन थीटा लिखे चाहे ए बी साइन थीटा लिखे, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई हम 4 में 6 से मल्टीप्लाई करें चाहे 6 में 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। तो वही रहेगा। लेकिन जब हम बी क्रॉस ए करेंगे ना, तो चारों उंगलियों को देखा हम लोग रखेंगे बी के डायरेक्शन में, चारों उंगलियों को बी के डायरेक्शन में रखेंगे और इसको हम घुमाएंगे ए की तरफ। तो अभी तो नहीं घूम रहा है, लेकिन अगर अब हम अपने हाथ को ऐसे कर लें, देख रहा है ना बच्चों, अब हम आराम से मोड़ सकते हैं ए की तरफ, बी को ए की तरफ, तो अंगूठा अंदर की तरफ आ गया ना, अंगूठा अंदर की तरफ आ गया, इसका मतलब हुआ कि इंटू द प्लेन ऑफ पेपर, इंटू का मतलब हो गया अंदर, इंटू द प्लेन ऑफ पेपर। इज इट क्लियर बच्चों, प्लेन ऑफ पेपर। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही 12 यूनिट आएगा, तो हम कह सकते हैं 12 यूनिट इंटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो ये आना चाहिए। एक बार फिर से बताऊं, ए क्रॉस बी बाहर लेकिन बी क्रॉस ए अंदर, ठीक है। तो जनरली बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, या उतना है नहीं है,
हाँ पहली बार में थोड़ा सा ऐसा हाथ हाथ घुमाना पड़ रहा है आपको, मे बी हल्का फुल्का आपको टफ लग रहा हो, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है जितना लोग इसका हाइप बना देते हैं। क्लियर है? और जो भी है डायरेक्शन में ही है, ए बी साइन थीटा करने में हमको थोड़ी दिक्कत हो रहा है, वही तो करना है हमको, डायरेक्शन देखना है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा। अच्छा स्क्रू रूल भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है? अगर हमको ए क्रॉस बी करना है तो यहाँ एक स्क्रू लें और ए को बी की तरह घुमाएं, ये देखें, तो ऐसा करके देखें, आप हाथ से करके देखें, तो ऐसा नहीं लग रहा है स्क्रू खुल रहा है, खुलेगा तो बाहर आएगा, यानी ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। सही बात है यार, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन अगर आपको बी क्रॉस ए करना है, आप यहाँ पे एक स्क्रू रखें, सुन रहे हैं, और बी को ए की तरफ घुमाएं, तो बी इधर है ए इधर है, यानी ऐसे घुमाना है। अब जब ऐसे करेंगे तो स्क्रू बंद हो रहा है, अब बंद होगा स्क्रू तो अंदर जाएगा, इसका मतलब हुआ बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। इज इट क्लियर? तो आगे चलकर मिलता है हमको, क्रॉस प्रोडक्ट में हमको खूब मिलता है, 11th में भी मिलेगा, 12th में भी आपको मिलेगा, ठीक है? तो क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? बच्चों अभी अभी हमने देखा कि जैसे ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी ऊपर आता है और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए नीचे आता है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ए बी साइन थीटा ही होगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या दोनों सेम होता है, मतलब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता है बी क्रॉस ए के, आप जल्दी से बताएं तो होता है कि नहीं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी तो होता है ना। अब दो वेक्टर्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे मान लो बच्चों की एक वेक्टर है इधर ए, बात समझ रहे हैं, और सेम मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का एकदम, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, ठीक है? तो क्या हम इसको भी वेक्टर ए ही कह देंगे क्या? नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड में भले सेम है लेकिन डायरेक्शन में सेम थोड़े है। तो वेक्टर के इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए सेम नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये देखें, बी क्रॉस ए जमीन और ए क्रॉस बी आसमान, बात समझ आ गई? तो ये इक्वल नहीं होता है। और कोई पूछेगा क्यों इक्वल नहीं होता है, तो कह देना कि डायरेक्शन की वजह से, ठीक है? एक ऊपर आता है तो दूसरा नीचे आता है। हाँ लेकिन ये एक चीज इक्वल होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो वेक्टर बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बिल्कुल बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होता है। और कितना होता है, तो ए बी साइन थीटा। या फिर बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए होता है। अब ये बताइए आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है? तो मैं आपको याद दिला दूं कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो, है ना, और दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हो, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर इस वेक्टर को हम ए कह रहे हैं, इस वेक्टर को हम बी कह रहे हैं, याद है आपको, देखा था हम लोगों ने ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स में, तो हम आराम से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। या फिर माइनस साइन को अगर हम इधर लेके चले आए तो हम आराम से लिख सकते हैं वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर ए, मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से देखा जाए तो अगर ए क्रॉस बी इधर आता है, है ना, जैसे अभी देखा था ना हम लोगों ने, ए क्रॉस बी कहाँ आता है, ऊपर आता है, तो बी क्रॉस ए नीचे आएगा, जस्ट अपोजिट आता है। बात समझ में आई? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो बी क्रॉस ए इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं दोनों, ठीक है? तो अगर ए क्रॉस बी इधर आता है ना, तो बी क्रॉस ए जो होगा वो इधर की तरफ आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो वेक्टर होगा वो इसका नेगेटिव होगा, या ये वाला जो वेक्टर होगा इसका नेगेटिव होगा। बात समझ में आई बच्चों? अब मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर चले जाए तो क्या बनेगा, ये बताएं, तो बनेगा बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? तो इसका भी एप्लीकेशन हमको मिलेगा आगे चल के, ठीक है? एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, हाँ डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी जो होगा ना वो बिल्कुल बराबर होगा बी डॉट ए के, ये देखा था हम लोगों ने उस समय, ठीक है? और कितना होगा तो सिंपल ए बी कॉस थीटा, ठीक है? और ऐसा इसीलिए होता था ना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता था वो स्केलर आता था, और स्केलर के पास तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड होता है,
अरे बात समझ रहे हैं, तो जो मैग्नीट्यूड इसका होगा वही मैग्नीट्यूड इसका होगा, बात समझ रहे हैं, और इसीलिए ये दोनों इक्वल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो देखना होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो भले सेम होता है लेकिन डायरेक्शन के डिफरेंट हो जाने की वजह से हम ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर्स जरूर होंगे, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे, एक दाएं होगा तो दूसरा बाएं। आई बात समझ में? इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ें। बच्चों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अब नाम के ऊपर मत जाओ, बस देख लो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है ए क्रॉस ऐसे बी प्लस सी लिखा हुआ है, मतलब ये कह रहा है कि पहले आप इन दोनों को जोड़ दें और जो आपको वेक्टर मिलेगा, अरे दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, उसका इस ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस ए को अगर हम अंदर लेके जाएं तो ए क्रॉस बी एंड प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस दे देते, ये तो हम अरे स्केलर्स में भी करते हैं यार। ऐसे बी प्लस सी लिखा हुआ होता है तो क्या ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे ए बी और प्लस का साइन देके फिर ए सी नहीं करते हैं क्या? वो काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कि आपने प्लस है तो प्लस दें और उसके बाद इसका इसके साथ, यानी कि ए क्रॉस सी। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना, कभी भी ऑर्डर जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसे कभी मत कर देना कि ए का इसके साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट कराना, ठीक है, तो लिख देना है ए क्रॉस बी और जब इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराना तो ऐसे लिख देना सी क्रॉस ए। ये मत कर देना बच्चों, यहाँ हो सकता है स्केलर के केस में हो सकता है, आप ए इंटू सी लिखे चाहे सी इंटू ए लिखे बात बराबर है, लेकिन सी क्रॉस ए और ए क्रॉस सी बराबर नहीं होता है। बात जानते हैं आप, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, यहाँ फर्क पड़ जाता है। तो ये चीज नहीं होगा बच्चों, ये हम नहीं कर सकते हैं। अगर ए पहले है तो ए हमेशा ही पहले रहेगा, यहाँ भी पहले रहेगा, यहाँ भी पहले रहेगा, किसी को भी आप उलट नहीं सकते हैं। तो ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज आप अंदर ले जाके बारी बारी से सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगर जरूरत पड़ा तो देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े फिर। चलिए हम तीन केस की बात करते हैं। पहला केस जिसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, 90 डिग्री दोनों वेक्टर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं, डायरेक्शन निकालना तो हमने सीखा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी साइन 0 डिग्री। आप जानते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो 0 मिलेगा। बात समझ रहे हैं बच्चों, तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होना तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, याद रखना, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं। तो यहां पे अगर हमको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे ए इंटू बी इंटू और साइन 90 डिग्री, और बच्चों साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ए क्रॉस बी जो है वो मिल जाता है सिंपल ए इंटू बी, सिंपल ए इंटू बी। और आप जानते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू, ये जो 1 होती है ना, ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है। आप जानते हैं ना साइन थीटा 1 से ज़्यादा नहीं होता है, तो अगर आपने यहाँ पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखी है, यानी कि 1 रखने जा रहे हैं आप, इसका मतलब हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा। तो कोई पूछेगा क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, तो कह देना 90 डिग्री पे। आई बात समझ में, 90 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, बिल्कुल ए इंटू बी। इज इट क्लियर? आइए यहाँ आके देखते हैं, ए क्रॉस बी का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लिखेंगे ए, हम लिखेंगे बी साइन 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू अगर 0 है तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होगी, है ना बच्चों? चलिए, तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, आपको याद रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका 0, और इससे ये पता चला कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ भी 0 होगा। तो याद रखना, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सेम लाइन के अलॉन्ग हो ना बच्चों, सेम लाइन के अलॉन्ग हो, ठीक है, वो चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, और 90 डिग्री पे क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है। और सिंपल आप चाहे तो मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इंटू बी आ जाता है। इज इट क्लियर? हम आगे बढ़ जाएं। बच्चों यहाँ पे आपको दो वेक्टर्स दिख रही हैं, वेक्टर ए बी दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। एक काम करते हैं, बी के दो कॉम्पोनेंट तोड़ते हैं, एक कॉम्पोनेंट ए के डायरेक्शन में। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर हम ए के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट तोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम थीटा की तरफ घूम रहे हैं, और थीटा की तरफ घूमते हैं तो कॉस यूज करते हैं, तो ये जो कॉम्पोनेंट होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा,
अब चलिए एक कॉम्पोनेंट हम इस डायरेक्शन में यानी ए के परपेंडिकुलर तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका कितना, बी साइन थीटा। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। आई बात समझ में? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। अब आप इसको और इसको ध्यान से देखें, क्या ये इन मतलब कोई ऐसा वेक्टर दिख रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ए है? तो हाँ दिख रहा है। कौन सा वेक्टर? ये वाला वेक्टर, ठीक है। और क्या कोई ऐसा वेक्टर दिख रहा है जिसका मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा है? तो वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भाई? तो यहाँ पे दिख रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, सॉरी कॉम्पोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, है ना बच्चों? ये बी साइन थीटा क्या है? तो बी का वो कॉम्पोनेंट है जो ए के परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? ठीक है, सिमिलरली यहां आते हैं, यहां हमको ए का कॉम्पोनेंट तोड़ना है, तो ए का एक कॉम्पोनेंट आप तोड़े बी के डायरेक्शन में। आप जानते हैं ना किसी भी डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट तोड़ना होता है तो आप वैक्टर के टिप से यानी कि हेड से उस डायरेक्शन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मतलब इसका इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, और ऑब्वियसली आप कहां घूम रहे हैं तो थीटा की तरफ कॉस यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे इसके लिए इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। अब एक कंपोनेंट तोड़ेंगे हम इस डायरेक्शन में यानी बी के परपेंडिकुलर। अरे जैसे हमने यहां पे तोड़ा था ना, एक कंपोनेंट थोड़ा था ए के डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट तोड़ा था ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वैसे ही काम हम यहां करेंगे। एक कंपोनेंट तोड़ेंगे बी के डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट तोड़ेंगे बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो बी का परपेंडिकुलर यही वाला हुआ। चलिए तो यहां से आप इस तरीके से कर लें, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना बच्चों, ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट तोड़ने के लिए आप थीटा से दूर जा रहे हैं, साइन यूज करेंगे। अब अगर हम यहां पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देखें तो वो तो हम लिख सकते हैं ऐसे ए बी साइन थीटा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बी इंटू ए साइन थीटा। अब आप मुझको बताएं क्या कोई ऐसा वेक्टर दिख रहा है जिसका मैग्नीट्यूड बी है? तो हाँ दिख रहा है, ये वाला वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड बी ही है ना बच्चों, ये वाला वेक्टर। और क्या कोई ऐसा वेक्टर दिख रहा है जिसका मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा? तो वो भी दिख रहा है, ही ये वाला वेक्टर। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलोंग सॉरी परपेंडिकुलर टू बी। आप जल्दी से बताए तो इस ए साइन थीटा का क्या मतलब हुआ? ए साइन थीटा जो है वो ए का कॉम्पोनेंट है किस डायरेक्शन में? तो बी के परपेंडिकुलर वाला। ए साइन थीटा बी के परपेंडिकुलर वाला है, बात को समझ रहे हैं आप? चलिए कंक्लूजन क्या निकलता है वो समझते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो उन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जल्दी बताएं एक बार फिर से, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे यहां पे आपको दो वेक्टर्स दी गई थी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, बात समझ रहे हैं? तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो उन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लीकेशन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो थी ही नहीं, तो हम कभी भी इन दोनों के मैग्नीट्यूड को सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए इंटू बी होगा, नहीं कह सकते। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके दो कॉम्पोनेंट्स तोड़े गए, एक कॉम्पोनेंट इधर एक कॉम्पोनेंट इधर। अब आपको दो वैक्टर्स ऐसे दिख रहे हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कौन कौन से वैक्टर? तो ए और बी साइन थीटा। आई बात समझ में? ए और बी साइन थीटा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बोले जल्दी, आपको मिल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। और सही बात है यार, ए और बी साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे बी साइन थीटा मिल जाएगा। अब यहां क्या हुआ था, यहां भी आपको ए और बी मिला था जो परपेंडिकुलर नहीं था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है तो आप कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो यहां बी का कंपोनेंट तोड़ा गया था, यहां ए का कंपोनेंट तोड़ा गया, तो ए का कंपोनेंट आपने इधर तोड़ा। अब आपको यहां दो वेक्टर्स ऐसी दिख रही होंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बी, ठीक है, बी और ए साइन थीटा।
बात समझ में आई? तो b और a साइन थीटा को आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी तो ए बी साइन थीटा ही होगा ना। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दोज टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई बात समझ में? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अभी दूसरे केस में देखा था हम लोगों ने, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आया था बच्चों? सिंपल ए बी नहीं आ गया था क्या? तो चूंकि यहां पहले से ही परपेंडिकुलर है तो कॉम्पोनेंट तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम आराम से लिख देंगे परपेंडिकुलर है तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? एक चीज और बता दूं, डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है जो सेम डायरेक्शन में है। जैसे यहां सेम डायरेक्शन में कौन कौन से दो वेक्टर्स है? तो ए और बी कॉस थीटा है, अरे ए और बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा जब आप करेंगे तो यहां से आपको मिलता है डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। बात समझ आई? यहां पे दो वेक्टर्स कौन है जो सेम डायरेक्शन में है? तो बी और ए कॉस थीटा, तो बी और ए कॉस थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे मिल गया आपको ए डॉट बी। अब बी ए कॉस थीटा लिखे, ए बी कॉस थीटा लिखे, ठीक है? तो बेसिक डिफरेंस क्या है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में वो समझना। डॉट प्रोडक्ट उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है जो सेम लाइन के अलोंग होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होती है। ठीक है, तो खैर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी भी चीजें मैंने समझाई वो आपको समझ में आया है, तो इसके एप्लीकेशन आगे चल के जब फिजिक्स में मिलेगा मैं आपको धीरे धीरे याद दिलाता रहूंगा। ठीक है, तो बस आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा हमने कभी देखा था। बात समझ रहे हैं बच्चों? हम अभी टूल्स देख रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स देख रहे हैं, इन सब का यूज आगे चल के कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह हमको मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कि यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है आई कैप क्रॉस आई कैप, तो ये हमको करना है। इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का उसको लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? चलिए, तो यही प्रोसेस यहां भी फॉलो करते हैं। ए क्या होता है बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड। बी क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड। थीटा क्या होता है? दोनों के बीच का एंगल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। उसके बाद हम लिखेंगे बी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे साइन और थीटा, दोनों के बीच का एंगल। तो बच्चों दोनों सेम वेक्टर्स हैं, आई कैप और आई कैप, दोनों का डायरेक्शन जो होगा ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होगा। और आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होती हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है ना। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं साइन 0 डिग्री और आप एक यूनिट वेक्टर लिख दें। ठीक है, ये वाला जो आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरे का पूरा आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दो सेम टाइप के यूनिट वैक्टर्स का जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं ना, ठीक है, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है ना बच्चों? और हम जानते हैं कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। बात समझ रहे हैं? हम सिर्फ 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0 अगर लिख देंगे ना इसका मतलब होगा कि एक स्केलर है, और जबकि हम ये भी जानते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर लगाना जरूरी है, और ऑब्वियसली ये एक नल वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे जे कैप क्रॉस जे कैप कितना, नल वेक्टर, के कैप क्रॉस के कैप कितना, तो नल वेक्टर। इज इट क्लियर बच्चों? लेकिन अगर मान ले कि आपसे किसी ने पूछा कि आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, तो सेम यही वाली चीज को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, है ना बच्चों? तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम लिखते हैं बी, तो बी का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, ये भी एक यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे साइन, है ना, और आई कैप क्रॉस जे कैप, मतलब आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, वो वाला एंगल हमको लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई का मतलब हुआ एक्स एक्सिस की तरफ, जे का मतलब हुआ वाई एक्सिस की तरफ। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना बच्चों, हैं? तो हम कह सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और रही बात यूनिट वेक्टर की, ठीक है, तो उसके लिए अभी अभी बच्चों हमने देखा था कि ए क्रॉस बी हो चाहे बी क्रॉस ए, उसका डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, है ना? तो ये आपका एक
रेफरेंस फ्रेम है जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला जो आपका वेक्टर है आई कैप वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है, बात समझ रहे हैं। तो चारों उंगलियों को उधर करें। जे कैप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि आप अपने हाथ को इस तरीके से करेंगे तब तो आप आई को जे की तरफ मोड़ पाएंगे ना, अरे एक्स को वाई की तरफ मोड़ पाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो जो अंगूठा आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर का मतलब हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, इज इट क्लियर। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरफ हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो होता है के कैप। बच्चों ये समझ में आया आपको, ठीक है। हमने क्या किया, ए बी साइन थीटा लिखा और यूनिट वेक्टर हमने चेक कर लिया कि ये किस डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो आई को जे की तरफ जब आप मोड़ेंगे यानी एक्स को वाई की तरफ मोड़ेंगे तो बाहर, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है, इसीलिए हमने के कैप लिखा है। अब बच्चों हम ये भी जानते हैं, कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 × 1 × 1 ही हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका के कैप, तो 1 × k कैप ही होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है वो के कैप होता है। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे ना, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा तीसरे टाइप का आता है। जैसे यहाँ आई और जे था तो आंसर के आया था, यहाँ जे और के है तो आंसर आई आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आई कैप। कोई बहुत घबराने वाली बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। और हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, जे का मतलब क्या हुआ बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और के का मतलब हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो चारों उंगलियां होनी चाहिए ऊपर, अरे जे की तरफ होनी चाहिए यानी वाई एक्सिस की तरफ होनी चाहिए, नहीं, और आपको मोड़ना है इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस जो कि आपकी तरफ है, बाहर की तरफ। तो हथेली ऐसे होगा तब तो मोड़ पाएंगे ना। तो आई को देखा आपने, जब के की जे को, ये ऊपर जे है ना, जे को जब आपने के की तरफ मोड़ा तो जो अंगूठा है वो आई की तरफ ही आ रहा है ना, इसीलिए आई कैप आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बताएं जल्दी अगला, बताएं के कैप क्रॉस, अगर आपसे किसी ने आई कैप पूछ दिया तीसरे टाइप का आंसर होता है, तो के और आई है तो यहाँ पे जे आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। लेकिन बच्चों यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या होगा अगर आपसे किसी ने जे कैप क्रॉस आई कैप पूछ दिया होता तो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यही वाला प्रोसीजर फिर से फॉलो करते हैं, यानी ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ए का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। बी का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, साइन और दोनों के बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्री ही है, नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वाई और एक्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, जिस डायरेक्शन में भी होगा उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लिखना है। तो आराम से देखें, जे क्रॉस आई करना है, यानी चारों उंगलियां होनी चाहिए जे के डायरेक्शन में। जे का मतलब हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और आई का मतलब हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हथेली इधर रखोगे तब तो मोड़ पाओगे ना, अरे बात समझ रहे हो। जे को आई की तरफ आप तभी मोड़ सकते हैं जब सिचुएशन कुछ इस तरीके का रहे, है ना बच्चों। तो ये रहा जे, ये आई की तरफ आपने मोड़ा, अंगूठा अंदर आ रहा है, अंदर का मतलब हुआ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, बाहर होता है ना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, अंदर का मतलब हुआ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में हम लिखते हैं माइनस के कैप, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, 1 × 1 × 1 ही हो जाएगा, एंड ओवरऑल आंसर जो है आपका माइनस के कैप आएगा। तो जे कैप क्रॉस आई कैप जो होना चाहिए वो माइनस के कैप होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। और वैसे भी बच्चों मैं आपको बता दूं, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ए क्रॉस बी जो होता है ना वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, होता है बच्चों। तो ऑब्वियसली जे क्रॉस आई जो होगा वो माइनस ऑफ आई क्रॉस जे होगा, और आई क्रॉस जे कितना आया था, के आया था, है ना, आई क्रॉस जे के आया था। तो अगर हम इसकी जगह पे के लिख दें आई क्रॉस जे की जगह पे, तो हमको मिल जाएगा जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल्स टू माइनस, इसकी जगह पे हम के लिख देते हैं और मिल गया हमको फिर से ये वाला, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से भी देख लिया, एक दूसरे तरीके से भी देख लिया कि जे कैप क्रॉस आई कैप जो होता है वो माइनस के कैप होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको भी पलट देना बच्चों, के कैप क्रॉस जे कैप भी कर देना, के कैप क्रॉस जे कैप कर दे तो आंसर माइनस आई कैप आ जाएगा,
ऑब्वियसली आएगा यार, पलट देने से आंसर नेगेटिव हो जाता है। और ठीक उसी तरीके से अगर हम आई कैप क्रॉस के कैप कर दें तो आंसर माइनस जे कैप हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं देखिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स तो आंसर जीरो, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर्स हैं तो तीसरे टाइप का आंसर आता है। जैसे अगर आई और जे है तो के आता है, जे और के है तो आई आता है, लेकिन कभी कभी प्लस में भी आता है और कभी कभी माइनस में भी आता है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहेगा कि कब हम प्लस में लिखेंगे और कब हम माइनस में लिखेंगे। तो चलिए उसको जल्दी से दूर कर लेते हैं, ठीक है। आप बताएं मुझको बच्चों, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो आई के बाद कौन आना चाहिए, तो जे आना चाहिए। जे के बाद कौन आना चाहिए, तो के आना चाहिए। और के बाद कौन, तो फिर से आई। बात समझ रहे हैं? अगर सही सीक्वेंस की बात करें तो आई के बाद जे, जे के बाद के और के बाद आई, ऐसे ही आना चाहिए। तो बच्चों एक चीज याद रखना, अगर सही सीक्वेंस में दिया है ना तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर गलत सीक्वेंस में दिया है तो आंसर नेगेटिव आएगा। बस यही याद रखना, सुन रहे हो? सही सीक्वेंस तो आंसर पॉजिटिव, गलत सीक्वेंस तो आंसर नेगेटिव। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए हम अपने से देख लेते हैं, अपने से कोई एक जल्दी से सोच लेते हैं। मान लेते हैं जे कैप क्रॉस उसके बाद के कैप, ये हमको निकालना है। तो इतना तो बिल्कुल कन्फर्म है कि जो आंसर होगा वो तीसरे टाइप का होगा, ठीक है। यानी जे और के है तो आंसर जो होगा वो आई कैप होगा। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि प्लस कि माइनस, तो देख लें कि सीक्वेंस सही है कि गलत। तो जे के बाद किसको आना चाहिए, तो जे के बाद के को आना चाहिए, और सही में जे के बाद के आया है, इसका मतलब आंसर प्लस में ही रह जाएगा। सीक्वेंस सही तो आंसर प्लस में, लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है आई कैप क्रॉस के कैप ऐसे लिखा हुआ है, तो बच्चों आई के बाद किसको आना चाहिए था, जे कैप को आना चाहिए था ना, लेकिन कौन आया है, के कैप। सीक्वेंस गड़बड़ है, गड़बड़ है तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा और होगा तीसरे टाइप का। तो आई और के है तो आंसर जे होगा। बात समझ आई? कितना सिंपल था बच्चों ये, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, याद रखेंगे कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर हमेशा तीसरा यूनिट वेक्टर होता है। मतलब आई जे है तो के होगा, जे जे के है तो आई होगा, इस तरीके से। और अगर सीक्वेंस सही है तो प्लस में, सीक्वेंस गड़बड़ है तो माइनस में, आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, आई के बाद जे आना चाहिए था, आया है, इसीलिए आंसर प्लस में। जे के बाद के आना चाहिए था, आया है, इसलिए आंसर प्लस में। के बाद आई आना चाहिए था, आया है, इसीलिए आंसर प्लस में। लेकिन यहाँ पे देखें, जे के बाद तो के को आना चाहिए था ना, लेकिन आई आ गया है, तो सीक्वेंस गड़बड़ है, आंसर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी के बाद आई को आना चाहिए था, जे आ गया है, सीक्वेंस गड़बड़ नेगेटिव। आई के बाद जे को आना चाहिए था, लेकिन आई के बाद के आ गया है, इसीलिए आंसर नेगेटिव में, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप ये समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ जाएं जल्दी से, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस थ्री आई कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू फोर आई कैप, एंड आपको फाइंड आउट करना है पहला ए क्रॉस बी एंड दूसरा बी क्रॉस ए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ना हम जो आई कैप या जे कैप जो भी मिलेगा आपको, जो भी आपको यूनिट वेक्टर मिले, उनके कोफिशियंट्स को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इसका कोफिशियंट कितना है, माइनस थ्री, और इसका कोफिशियंट कितना है, फोर। तो माइनस थ्री और फोर को मल्टीप्लाई कर लें तो वो कितना आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व। तो आप यहाँ पर लिख लें माइनस ट्वेल्व, ठीक है। और उसके बाद ये जो करने को कह रहा है यूनिट वेक्टर्स के साथ, आप वही कर दें। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर यहाँ डॉट होता तो यूनिट वेक्टर्स का हम डॉट करा लेते हैं, अगर क्रॉस है तो यूनिट वेक्टर्स का हम क्रॉस करा लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे डॉट होता तो आई कैप डॉट आई कैप, आपको याद है वन आता था, आई कैप डॉट आई कैप वन, तो यहाँ हम वन लिख देते थे और आंसर यही हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्रॉस है तो यूनिट वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी हम करने वाले हैं आई कैप क्रॉस आई कैप। और अभी अभी हमने देखा था कि आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो वेक्टर होता है ना बच्चों, तो जीरो वेक्टर, यानी कि जो ओवरऑल आंसर होगा वो आपका जीरो वेक्टर होगा। अरे दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई, दोनों सेम मतलब सेम नहीं, लेकिन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। सॉरी, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और 180 डिग्री पे अभी अभी हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, देखा था ना, इसीलिए जीरो आया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर बी क्रॉस ए भी आप करेंगे, बी क्रॉस ए भी करेंगे तो वो भी जीरो ही आएगा, ठीक है, वो भी जीरो आएगा, क्योंकि बी क्रॉस ए जो होता है वो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होता है, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। तो जब ए क्रॉस बी ही जीरो है तो उसमें माइनस भी लगा देंगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है माइनस थ्री आई कैप
एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू है 4j कैप। हाँ, अब यहां पे ध्यान से समझना, अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है क्या करें बच्चों, जल्दी बताएं, आप बताएं, वही लिखूंगा मैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सर इसका कोफिशियंट जो -3 है उसको और इसका कोफिशियंट जो कि 4 है उसको मल्टीप्लाई कर दे, यही कह रहे हैं। चलिए मैंने कर दिया, -12 आ गया, उसके बाद क्या करना होगा? तो बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, ए क्रॉस बी कह रहा है ना, तो ए वाले यूनिट वेक्टर को पहले लेंगे और बी वाले यूनिट वेक्टर को बाद में, यानी कि हम आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे। ऐसा ना हड़बड़ा के जे कैप क्रॉस आई कैप मत कर देना, क्योंकि ए पहले है तो ए वाला यूनिट वेक्टर पहले रखना होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप। बच्चों सीक्वेंस सही है ना, अरे आई के बाद जे ही आना चाहिए था, तो सीक्वेंस सही है तो जो भी आंसर होगा वो प्लस में ही होगा है, लेकिन तीसरा वाला होगा तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट तो के आएगा प्लस में। हो गया, मिल गया हमको आंसर -12 k कैप, बात समझ आ गई। चलिए अगर हमको बी क्रॉस ए निकालने को कहा जाए तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम इसी में माइनस लगा देंगे, क्योंकि बच्चों बी क्रॉस ए जो होता है ना वो नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी होता है, अभी देखा था, तो इसी में माइनस लगा देंगे तो 12 k कैप आ जाएगा हमारा आंसर। लेकिन एक काम करते हैं, हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक है, यानी पहले दोनों के कोफिशियंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 × 4 जो होगा वो -12 होगा। अब चूंकि बी क्रॉस ए कह रहा है तो बी वाले यूनिट वेक्टर को पहले और ए वाले को बाद में लेंगे, यानी कि हम जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे। तो बच्चों देखें यहां सीक्वेंस गड़बड़ है, जे के बाद के आता है जबकि यहां कह रहा है कि जे के बाद आई आना चाहिए, ऐसे कह रहा है, जे कैप क्रॉस आई कैप कह रहा है, बात समझ रहे हैं, तो सीक्वेंस गड़बड़ा गया, तो आंसर जो होगा वो नेगेटिव में होगा और तीसरा वाला होगा। तीसरा वाला का मतलब अगर जे और आई है तो आंसर के होगा, तो के कैप, और ऑब्वियसली माइनस माइनस मिलकर प्लस के कैप, कुछ इस तरीके से। इतना आपको समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वही अपना 3j कैप है ना, एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करें है ना, और जल्दी से पहले खुद से इसको कर लें, उसके बाद आप बस आंसर मैच कराने के लिए मेरे साथ आ जाएं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, हमको निकालना है सबसे पहले a क्रॉस b, इज इट क्लियर। तो क्या करेंगे ना, पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ऐसे करा लेंगे है ना बच्चों, क्योंकि हमने देखा था कि वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ना। तो मतलब अगर हमको ए क्रॉस बी कराना है तो एक्चुअली हमको यही कराना है ना, 3i कैप क्रॉस, यही तो कराना है, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, इज इट क्लियर बच्चों। ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया आपका वेक्टर बी। तो क्या करेंगे, पहला इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, मतलब 3i कैप क्रॉस 4i कैप, ऐसे करा लेंगे, फिर माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे, अरे देखा था हम लोगों ने बच्चों, फिर इसका इसके साथ, यानी कि 3i कैप है ना, और उसके बाद 2j कैप, फिर उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, और 3i कैप है ना क्रॉस k कैप, ऐसे ही तो करेंगे है ना। तो मतलब इसका तीनों के साथ बारी बारी से क्रॉस प्रोडक्ट हम कराएंगे, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका जब आप इसके साथ कराएंगे तो कोफिशियंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, बात समझ रहे हैं, कोफिशियंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोफिशियंट कितना है 3 और 4, तो 12 हो जाएगा, और जे कैप क्रॉस आई कैप, अब देखिए सीक्वेंस गड़बड़ है, जे के बाद के आना चाहिए था लेकिन यहाँ जे के बाद आई दिया जा रहा है, तो सीक्वेंस गड़बड़ है, तो आंसर नेगेटिव में होगा, और जे और आई का तो के हो जाता है ना। अरे कुछ समझ में आ रही है बात, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका इसके साथ, तो कोफिशियंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -2 जो होगा वो -6 हो जाएगा, ठीक है, और जे कैप क्रॉस जे कैप ये तो जीरो होता है बच्चों, ये तो जीरो होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 वेक्टर, ठीक है, सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स है ना, इसीलिए। अभी हम इसका इसके साथ देखें तो कोफिशियंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशियंट 3 है, इसका कोफिशियंट 1 है, तो 3 × 1 जो होगा वो तो 3 ही हो जाएगा, एंड जे क्रॉस के, तो जे के बाद के ही आता है, सही है, सीक्वेंस सही है, आंसर प्लस में होगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आई कैप। अब आप इसको ढंग से लिख दें, आप आई कैप वाले को पहले चाहे तो लिख सकते हैं, तो 3i कैप माइनस 12 k कैप विल बी दी आंसर। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बी क्रॉस ए करें, ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि बी क्रॉस ए जो होता है वो माइनस ऑफ
ए क्रॉस बी होता है, यही होता है, तो माइनस ऑफ, ठीक है, ए क्रॉस बी की जगह पे इसको लिख देंगे, यानी कि 3i कैप माइनस 12k कैप, तो मतलब जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस 3i कैप और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, प्लस 12k कैप। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, एंड ऑब्वियसली आपको ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए निकालना होगा, तो सबसे पहले हम करते हैं ए क्रॉस बी, है ना, सबसे पहले हम करते हैं ए क्रॉस बी, तो क्या करें, पहले इस 2i कैप को लेके इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे, फिर इसको लेके इन तीनों के साथ, फिर इसको लेके इन तीनों के साथ, ठीक है, चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका इसके साथ, तो बच्चों अगर आप कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और i कैप क्रॉस i कैप 0 वेक्टर, बात समझ रहे हैं, चलिए 2 इसका कोफिशियंट -1 है तो आंसर -2 आएगा, एंड i क्रॉस j तो k कैप होगा ना बच्चों, सीक्वेंस सही है, ठीक है, तो इसीलिए प्लस में और तीसरे टाइप का यानी कि k कैप, अब इसका इसके साथ कराएं तो 2 × 2 तो पहले आप 4 लिख लेंगे, सही है, उसके बाद i क्रॉस k तो i के बाद j आना चाहिए था, सीक्वेंस गड़बड़ है, समझ रहे हैं, तो आंसर नेगेटिव में होगा और आई और के है तो जे कैप होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मे भी लेंदी आपको लग रहा हो लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो ये आसान है, चलिए इसका इसके साथ कराते, इसका तो तीनों के साथ हो गया, अब इसका इसके साथ, तो 3 × यहाँ का कोफिशियंट 1 है तो 3 × 1 3 ही होगा, और जे क्रॉस आई तो जे के बाद आई थोड़े आता है, जे के बाद तो के आता है, यानी सीक्वेंस गड़बड़ है, आंसर नेगेटिव में होगा और जे और आई का आंसर के होगा, तीसरे टाइप का, ठीक है, इसका इसके साथ, तो बच्चों 3 × -1 तो -3 हो जाएगा और जे कैप क्रॉस जे कैप 0 वेक्टर पढ़ा है हम लोगों ने अभी अभी, ठीक है, अब उसके बाद इसका इसके साथ तो 3 × 2 जो होगा वो 6 हो जाएगा और जे के बाद के आना चाहिए, सही है बिल्कुल, तो जो आंसर होगा वो प्लस में होगा और तीसरे टाइप का मतलब आई कैप होगा, समझ गए, सही है, अब देखें यहाँ प्लस है, सॉरी मतलब सब ऐड करते जा रहे हैं ना, अब इसका इसके साथ, ठीक है, तो -4 और यहाँ 1 है तो -4 1 -4 ही हो जाएगा और के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, तो बच्चों के बाद आई आता है, सीक्वेंस सही है, आंसर प्लस में आएगा और आंसर होगा आपका जे कैप, इसका इसके साथ तो -4 -1 तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है, और के क्रॉस जे, सीक्वेंस गड़बड़ है, के बाद तो आई को आना चाहिए था तो इसीलिए आंसर नेगेटिव होगा और के और जे का आंसर आई हो जाएगा, इज इट क्लियर, समझ रहे हैं आप इतना, ठीक है, और बच्चों यहाँ -4 × 2 जो होगा वो तो -8 हो जाएगा ना और के कैप क्रॉस के कैप जो होगा वो 0 वेक्टर होगा, अब आप देख लें टोटल आई वाला कितना है, जे वाला कितना है और के वाला कितना है, सबसे पहले आई वाला ढूंढते हैं हम, तो आई वाला हमको एक तो यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है +6j कैप और यहाँ मिल, सॉरी +6i कैप और यहाँ मिल रहा है -4i कैप, तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप, ठीक है, अब जे कैप वाले को ढूंढते हैं, तो जे कैप वाला हमको यहाँ मिला -4j कैप और कहाँ मिला भाई, और यहाँ मिला, यहाँ भी -4j कैप है, तो ये हो जाएगा -8j कैप, कुछ समझ में आ रहा है, चलिए के कैप वाला ढूंढ लेते हैं, तो -2k कैप एंड -3k कैप ये हो जाएगा -5k कैप, नहीं, अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि थोड़ा लगे हाथों आप B क्रॉस A भी करके बता दें, ये तो आपने A क्रॉस B निकाला था ना, ठीक है, आप B क्रॉस A बताएं तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में हम माइनस साइन लगा देंगे, अरे B क्रॉस A होता कितना है, माइनस ऑफ A क्रॉस B ही तो होता है, ठीक है, तो आप इसी में माइनस लगा दें, तो माइनस लगाने का मतलब हुआ जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, यानी -2i कैप +8j कैप एंड +5k कैप, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा लेंदी है सर अजीब, मतलब अच्छा नहीं लगा ये वाला मेथड, ऑब्वियसली आपको नहीं लगा होगा अच्छा, मतलब इतना सबके पास एक एक का तीनों के साथ कराना बहुत थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, टफ थोड़े ना है बच्चों, लेंदी लग रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसका कोई और अच्छा सा उपाय नहीं है क्या, है दूसरा उपाय देखते हैं, लेकिन वो उपाय देखने से पहले हमको मैथमेटिक्स की एक छोटी सी चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट, बात समझ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट, ये मैथमेटिक्स का एक ओवरऑल चैप्टर है,
लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा सा बस जानेंगे। कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट होता है ये, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, और यहाँ क्या ले लें, चलिए फोर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वन टू थ्री फोर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, और इसमें इसको रो कहा जाता है, रो, और इसको कॉलम कहा जाता है। तो ये टू बाई टू का डिटर्मिनेंट है, मतलब इसमें दो रो हैं और दो कॉलम्स हैं। इज इट क्लियर? तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो बड़ा सिंपल है बच्चों। सबसे पहले ना हम इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, नहीं तो वन इंटू फोर कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं तो फोर हो जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद माइनस का साइन देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सिक्स होगा, और आंसर आ जाएगा आपका माइनस टू। आप जल्दी से बताएं, तो जल्दी से बताएं, तो यहाँ माइनस वन, यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री है, तो आंसर कितना होगा, जल्दी बताएं। ठीक है, आ गया होगा आपका। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इस वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस वन इंटू थ्री जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस थ्री। उसके बाद माइनस का साइन देते हैं, याद रखना बच्चों, माइनस का साइन देते हैं, है ना। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को, इन दोनों को, तो टू आ जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका माइनस फाइव, सही है। उसके बाद बात होती है थ्री बाई थ्री डिटर्मिनेंट की, उसमें क्या होगा ना, जैसे यहाँ लिखा होगा वन टू थ्री, थ्री टू वन, यहाँ वन टू, और जरूरी नहीं है हम कुछ, चलिए रहने देते हैं फिलहाल के लिए, वन ऐसे ही ले लेते हैं, वन टू वन ऐसे ले लेते हैं, सिंपल सिंपल नंबर्स ले लिए हमने, ठीक है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है कि सबसे पहले हम किसी एक को पकड़ते हैं, कॉर्नर वाले को, तो इसी को पकड़ेंगे, है ना बच्चों, इसी को पकड़ेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो गायब हो जाएगा, हाई बात समझ में। तो क्या मिला बच्चों आपको, ये मिला ना, अरे ये मिला, इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, यानी कि आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, टू वन टू वन, टू वन टू वन, ऐसे लिख लीजिए, बात समझ आई। उसके बाद हमने जब इसको लिया था तो प्लस साइन के साथ लिया था, जब आप इधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आप इधर भी जा सकते हैं, तो चलिए हम इधर ही चलते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको लेंगे ना, अब ये ऐसा ही होता है बच्चों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा ही होता है। जब हम इसको लेंगे तो इसको हम माइनस साइन के साथ लेंगे, ये माइनस टू लिखा जाएगा, पहले वाले को पॉजिटिव, दूसरे वाले को नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अगला होता तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके जाएंगे। लेकिन हमको थ्री बाई थ्री से ज़्यादा का नहीं देखना है, वो मैथमेटिक्स वाले देखते रहेंगे अपना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसको हमने ले लिया नेगेटिव साइन के साथ। उसके बाद ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है आप उसको गायब कर दें, तो क्या मिल रहा है, थ्री वन वन वन, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, थ्री वन वन वन, अरे सिंपल, बहुत सिंपल है। उसके बाद अगला वाला कौन सा है, थ्री है, तो इसको हमने प्लस, इसको माइनस, तो इसको हम प्लस साइन के साथ लेंगे, हम लिखेंगे प्लस थ्री, ठीक है। और ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, वो गायब हो जाएगा, और जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो कितना आया बच्चों, थ्री टू वन टू, तो लिखा जाएगा थ्री टू वन टू। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ वन है, ठीक है। अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अरे ऐसे डायगोनल मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करें तो टू माइनस और टू, तो खैर ये तो जीरो ही आ जाने वाला है, माइनस टू ले लें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, थ्री माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वन प्लस थ्री, बात समझ रहे हैं बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स माइनस टू। अब आप इसको कर लें सॉल्व, ये तो जीरो हो गया, और ये आ रहा है आपका, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस टू, सॉरी टू मिलेगा, और टू इंटू माइनस टू, तो माइनस फोर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है माइनस फोर, लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फोर इंटू थ्री जो होगा वो ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस ट्वेल्व का मतलब हो जाएगा आपका एट आंसर आने वाला है। अब बच्चों ज़रूरी नहीं है, ये वाला जो स्टेप है ना, ये आप चाहें तो उड़ा भी सकते हैं, डायरेक्ट हम चाहें तो ये वाला लिख सकते थे। कैसे, तो जब हमने वन लिखा, अरे सुन भी रहे हैं, वन लिखा तो वन वन लिखा तो आप इस रो और इस कॉलम को गायब करते हैं और डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, मतलब इस रो इस कॉलम को गायब करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो कितना आ जाएगा टू, आप यहाँ टू लिख दें, अब माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। फिर जब आपने इसको लेना है तो इसको तो नेगेटिव साइन के साथ लेना है, तो इसीलिए हमने माइनस टू लिखा। अब उसके बाद हम मन ही मन इसको और इसको गायब कर देंगे, तो कौन सा बचा, यही बचा ना, थ्री वन वन
3111 यही बचा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को, क्योंकि ये वाला तो गायब हो चुका है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1। ठीक उसी तरीके से जब आप इसको लिखेंगे प्लस साइन के साथ लिखेंगे, अरे सुन रहे हैं, प्लस साइन के साथ लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हैं, तो 6 आ जाएगा, वो लिख दिया आपने यहाँ 6, माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक और दे देता हूँ, ठीक है, और वो आप करके बताएं, ठीक है, आप करके बताएं कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं। ठीक है बच्चों, इसको मिटाता हूँ मैं। चलिए लेते हैं हम लोग, तो इसको ले लेते हैं हम 1, इसको ले लेते हैं माइनस 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं माइनस 1, 2, 1, 3, 2, 1 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको आपको सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना मिल रहा है। सबसे पहले बच्चों इसको हम रखेंगे, ठीक है, उसके बाद गायब हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर अब हमको इसको लेना है, तो इसको लेना है हमको माइनस साइन के साथ, तो ऐसे ना लिखेंगे बच्चों, अरे बात समझ रहे हैं। फिर देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 1, तो ये लिखा आपने माइनस 1, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो गायब हो चुका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो माइनस 3 लिखेंगे ना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम इसको लिखेंगे प्लस साइन के साथ, तो चलिए यहाँ लिखता हूँ प्लस, ठीक है, गायब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, फिर माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला तो 0 हो गया पूरा, ठीक है, अब यहाँ कितना वाला, सब माइनस माइनस ही है यार, ये यहाँ से मिलने वाला माइनस 4, तो माइनस 4 इंटू माइनस 2 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 8, यही ना आएगा, अरे माइनस 4 और माइनस 2 8 आ जाएगा, और ये माइनस साइन तो पहले से, तो ये यहाँ से आया माइनस 8, और ये देखें माइनस 8 इंटू 3 तो 24, माइनस 24 आ जाएगा, माइनस 24, और मिला जुला के ये माइनस 32 हो जाएगा। इतना मेरे ख्याल से आपका भी आया होगा, ठीक है, कैलकुलेशन तो सही है ना बच्चों, आशा करता हूँ सही होगा, गलत भी होगा तो रहने देना, ठीक है, अरे प्रोसीजर तो समझ में आया ना कि हम क्या करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर इसको हम इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, आराम से सुनना, हमको करना ये होता है ना कि जब हमको ए क्रॉस बी करना है तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे और सबसे ऊपर वाले रो में लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हम अपने से लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दो रोज बच रही हैं, तो जो पहला रो है ना उसमें इसके सारे कोफिशियंट्स लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप के, ठीक है। तो आप बताएं आई कैप का कोफिशियंट कितना है, 2 है, यहाँ लिखेंगे, जे कैप का कोफिशियंट कितना है, 3 है, यहाँ लिखेंगे, के कैप का कोफिशियंट कितना है, -4, यहाँ लिख देंगे। अभी हम बस सजा रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरे रो में हम बी के सारे कोफिशियंट्स लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप के। तो बताएं आई कैप का कोफिशियंट कितना है, 1, जे कैप का कोफिशियंट कितना है, -1, के कैप का कोफिशियंट कितना है बताएं, तो ऐसे 2 सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे हमको इतना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले आप बताएं तो क्या करना होगा, आई कैप को लिखना होगा है, उसके बाद गायब हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 6 आएगा, उसके बाद माइनस का साइन देना होता है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 4, अरे -4 इंटू -4 मिलने वाला है, उसको लिख दें, आई बात समझ में। तो चलिए ये हमको मिला, उसके बाद हम इसको लिखेंगे, लेकिन इसको तो माइनस साइन के साथ लिखा जाता है ना, पहले वाले को प्लस साइन के साथ, दूसरे वाले को माइनस साइन के साथ, गायब हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अरे भाई इन दोनों को, तो कितना मिला आपको, 4 मिला, माइनस का साइन दें, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो बड़ा वाला ब्रैकेट दे दें, अरे बात समझ रहे ना, जब इनको मल्टीप्लाई करा आपने तो 4 मिला, माइनस का साइन देके इनको मल्टीप्लाई किया, -4 मिला, फिर इसको जब आपको लेना होगा तो प्लस साइन के साथ लेंगे, कुछ समझ भी रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2, और माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3, जस्ट इसको सॉल्व कर ले, ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा, सॉल्व करें जल्दी से, 6 -4 जो होता है वो 2 होता है, तो यहाँ से मिला 2 आई कैप, माइनस, अब ये देखें माइनस माइनस कितना,
तो प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ ना, ठीक है, तो 4 प्लस 4 जो होगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस साइन पहले से है तो ये हो जाएगा 8j कैप। अब यहाँ देखें माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 5k कैप, माइनस 5k कैप, क्या इतना ही मिला है यहाँ पे भी? क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बहुत ही मतलब सिंपली कर सकते हैं, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड में हमको नहीं जाना होगा, एक एक को पकड़ पकड़ के करना, बस थोड़ा सा टाइम जो आपको ऐसे सजा के लिखने में लगे, कितना टाइम लगेगा आपको सजा के लिखने में? मुश्किल से 5-7 सेकंड लगेगा, उसके बाद इसको लेना है, फिर इन दोनों को गायब करके मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट लेने तो आपको अब बहुत अच्छे से आ गया होगा। आप बात समझ रहे हैं? अच्छा बच्चों, क्या होता कि अगर ये हमसे पूछ रहा होता कि ना आप बी क्रॉस ए करके बताइए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बी क्रॉस ए हमको निकालना होता ना तो बी के जो कोफिशियंट है उसको हम पहले लिखते हैं और ए के कोफिशियंट को बाद में लिखते हैं, मतलब ये वाला जो रो है वो ऊपर चला जाता है और ये वाला रो नीचे आ जाता है, तब आप देखते आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये वाला आंसर मिल जाएगा। अच्छा, कुछ स्मार्ट लोग जो होते हैं ना वो ये भी नहीं लिखते, वो डायरेक्ट ये लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं? कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं, सबसे पहले आई कैप लिखते हैं, ठीक है, आई कैप लिखते हैं, इन्हीं मतलब यही पे आपको ए क्रॉस बी करना है, तो आई कैप लिखने के बाद उसके बाद इसको ढक देते हैं वो लोग, ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना मिला? 6 मिला, ठीक है, तो हो गया 6, और फिर माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इन दोनों के कोफिशियंट्स को, तो -1 -4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 मिलेगा। देखो तो ये वाला आ गया कि नहीं बच्चों? तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद वो इस पर आएंगे, इस पर आएंगे तो वो लिख लेंगे -j कैप, क्योंकि उनको पता है पहला वाला प्लस साइन के साथ तो दूसरा वाला माइनस है। उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो कितना मिल जाएगा हमको? 4, माइनस का साइन देके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिला -4। देखें ये वाला मिल गया। सिमिलरली जब इसको मतलब अब आगे बढ़ेंगे तो k कैप लिखना होगा, तो k कैप को प्लस साइन के साथ लिखेंगे, है ना बच्चों, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको मिल जाएगा -2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 3। मिल गया ये, तो आप बच्चों मेरे चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ अभी के लिए कर लें, ठीक है, ताकि आप कन्फर्म हो जाए कि आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। बढ़े आगे, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप जल्दी से वीडियो को पॉज कर लें और खुद से ट्राई कर लें, उसके बाद आप आके यहाँ पे आंसर मैच करा लें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी निकल जाएगा तो बी क्रॉस ए के लिए हमको कुछ करना थोड़े होता है, जस्ट उसी में माइनस लगा देना होता। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, जे कैप और फिर के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ए क्रॉस बी करना है तो ए के आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशियंट्स को, यानी लिखने वाले हैं 1, 1 और 1 को, ठीक है, और यहाँ बी। तो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे आई कैप और जे कैप है लेकिन के कैप नहीं है, तो के कैप के कोफिशियंट की जगह पे हम 0 लिख देंगे, मतलब हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 0 के कैप और क्या। आई बात समझ में? तो अगर जो नहीं होता है उसके कोफिशियंट की जगह पे हम 0 लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जे कैप का कोफिशियंट 1 है और यहाँ पे आपका 0 है, जस्ट इसी को हमको सॉल्व करना है। तो आई कैप लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये हुआ गायब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 0 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इस तरीके से। फिर उसके बाद इस जे कैप को आपको माइनस साइन के साथ लिखना होगा, नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको मिला 0, और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये तो गायब हो गया ना, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो -2 और प्लस के कैप आपको लिखना होगा ना, इसको प्लस साइन के साथ लिखा जाता है, ये हो गया गायब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला? 1, माइनस का साइन देखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा 2, सही है। आप इसको कर लें जल्दी से सॉल्व, तो यहाँ से आपको तो -1 मिल रहा है तो ये तो हो गया माइनस आई कैप, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, नहीं तो +2j कैप, और वहाँ पे आपको मिल रहा है -1, ठीक है, तो -k कैप विल बी द आंसर। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, और अगर आपसे किसी ने पूछा बी क्रॉस ए कितना होगा तो जस्ट उसी में माइनस लगा दें, तो जो भी चीज़ें माइनस में है वो सब प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्लस आई कैप, वो हो जाएगा -2j कैप, इज इट क्लियर बच्चों, और वो हो जाएगा +k कैप। तो ये रहा आपका आंसर, है ना बच्चों, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपका इतना आ गया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट सबसे टफ माना जाता है, नहीं, हालांकि एक लेक्चर में हमने पूरा कवर किया और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई होगी,
किसी भी चीज़ का रीजन आपको नहीं समझ में आया होगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। और इसका यूज आता है बच्चों बहुत फिजिक्स में आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ यूज देखेंगे उसमें हम, और बहुत ही छोटा सा वो होगा, मैक्सिमम 10 मिनट का, 10 या 15 मिनट का होगा, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू।